मीठे और रस से भरे हुए रसगुल्ले तो आपने खाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शुरू कहां से हुए थे, इनका इतिहास क्या है, और सबसे जरूरी क्या बंगाल ने ही दुनिया को रसगुल्ले दिए थे या इसके पीछे कोई और कहानी है। देखिए ओडिशा के लोगों का ऐसा मानना है एंड कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि रसगुल्ला ओडिशा की डिश है ना कि बंगाल की, पर आपको ये तो पता ही है कि बंगालियों की शान होती है रसगुल्ला, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, गहराई क्या है, आइए जानते हैं। देखिए ओडिशा के अंदर पिछले कई सालों से ये बिक रहा है और बनाया जा रहा है। रसगुल्ला को पहले कहा जाता था खीरा मोहना, और ऐसा हिस्टोरियंस ने कहा है कि इसकी शुरुआत पूरी ओडिशा में हुई थी काफी दशक पहले, मतलब हमें उसकी डेट भी नहीं पता है। और जो बड़ा फैक्ट यहाँ से सामने आया कि जगन्नाथ टेम्पल में जो पुरी के अंदर है वहाँ भोग में चढ़ाया जाता था ये खीरा मोहना, और उसकी रेसिपी बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम है, और ओडिशा के अंदर ही शुरू हो गया था रसगुल्ला मिलना। बस उसका नाम कुछ और था, नाम था खीरा मोहना। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता था इस खीरा मोहना से, जिसको बाद में रसगुल्ला कहा जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शुरू कब हुआ था? अब आते हैं कोलकाता के इतिहास पे। सारी दुनिया ऐसा मानती है कि रसगुल्ला कोलकाता ने दिया है, क्योंकि 1868 के अंदर यानी 19 सेंचुरी के पास नोबिंदा दास नाम के एक बंदे ने, कन्फेक्शनरी शॉप ओनर ने ये शुरू किया था एंड ये वहां से प्रसिद्ध हुआ था। तो रसगुल्ला नाम की प्रसिद्धि कोलकाता से आई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि शायद हिस्टोरियंस के हिसाब से ओडिशा में खीरा मोहना पहले मिलता था। लेकिन अब इसका जवाब आप सोचिए, जगन्नाथ टेम्पल में भोग लग रहा है पिछले कई सालों से। जगन्नाथ टेम्पल 1200 की सदी से चल रहा है, 1200 की सदी में बनाया गया था अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, एंड अगर वहां पे भोग लग रहा है तो भैया फिर ओडिशा ने तो शायद पहले बना लिया होगा। एंड ये भी हो सकता है कि नोबिंदा दास जी ने शायद वो चख के कोलकाता में उसकी दुकान शुरू की, एक नया नाम दिया और वहां से वो सिलसिला चल गया। लेकिन देखिए रस भरा मिठास तो है, पर ये आपको सोचना है कि क्या रसगुल्ला ओडिशा का है या कोलकाता का। अब आपको क्या लगता है फैक्ट के हिसाब से किधर जाना चाहिए? 12वीं सदी 12th सेंचुरी से चलती आ रही खीरा मोहना को रसगुल्ला माना जाए, या फिर 1868 19वीं सदी में आए हुए नोबिंदा दास के द्वारा क्यूरेट किए गए रसगुल्ले बने? देखें हम एक बार जरा लोगों से भी जानते हैं कि उनको क्या लगता है। आई थिंक उनको ये मिथ के बारे में भी पता नहीं है।